हाई एवरी वन माई नेम में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक थ्री देखने वाले हैं बी एड में फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और इसका हम अभी कर रहे हैं यूनिट टू एंड यूनिट टू का ये है थर्ड टॉपिक फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन सो so, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं uh, जैसे कि वॉट आर द रीजन्स ऑफ विमेन्स एंट्रेंस इन टीचिंग प्रोफेशन वॉट आर इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स रोल ऑफ विमेन इन टीचिंग वर्क तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस टॉपिक से बनते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो एंड सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन In the majority of the schools across the country, you will find female educators who have taught, molded, inspired, and influenced several students. They say that behind every successful man, there is a woman. However, we believe that behind every successful person is their teacher. In a country where girls are denied basic education, एजुकेटर्स आर प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बींग कैटलिस्ट ऑफ एम्पावरमेंट फीमेल एजुकेटर्स आर ऑल्सो फोर रनर्स ऑफ चेंज सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नेक्स्ट हमको देखना है रीजन फॉर वुमेन कमिंग इन टू एजुकेशन प्रोफेशन सो so, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है वॉट आर द रीजन्स ऑफ वुमेन्स एंट्रेंस इन टीचिंग प्रोफेशन सो इसके रीजन्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंक्रीजिंग वुमेन लिटरेसी यानी कि जैसी जैसी लड़कियाँ शिक्षित होती जाती हैं महिलाएं शिक्षित होती जाती हैं उनको ये लगता है कि हम शिक्षा तो प्राप्त कर लिए पर अब हम एक अच्छे रोजगार को भी प्राप्त कर सके एक लाइवलीहुड जो है अपना हम स्वतंत्र रूप से अर्न कर सकें ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल बेटर कर सकें अपनी फैमिलीज़ को हम जो है सपोर्ट कर सकें संभाल सकें सो so, ये एक कारण होता है कि महिलाएं जो है वो एजुकेशन प्रोफेशन में या टीचिंग प्रोफेशन में एंटर Hai, increasing women literacy looking at the data of indian census it is clear that female literacy which was 8.9% in 1951 increased to 64.6% .6 in 2011 as the percentage of female literacy will increase it is natural for women to enter the teaching and other profession there is a direct relation between teaching profession and literacy. As literacy increases, the number of female teachers will also increase. Next point हमको देखना है gender feeling. Gender feeling का ये मतलब है कि कुछ qualities हैं, कुछ emotions हैं, feelings हैं, जैसे कि love, patience, tolerance. ये सारी चीजें महिलाओं के अंदर Uh, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल टीचर्स या एज़ कम्पेयर टू मेल मेल्स सो बच्चों को संभालने के लिए उनको कुछ सिखाने के लिए या उनके साथ समय बिताने के लिए हमारे अंदर ये सारी चीज़ें रहना ज़रूरी है कि हम उनसे प्यार करें हम उनको उनकी देखभाल कर पाएँ केयर कर पाएँ और उनको संभाल पाएँ सो मेल मेल्स जो है, वो यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहते और यहाँ पे फीमेल्स जो है एंट्री uh, करती हैं एजुकेशन प्रोफेशन में जेंडर फीलिंग इज आल्सो बिहाइंड द एंट्री ऑफ विमेन इन द टीचिंग प्रोफेशन इट इज़ बिलीव दैट इन द टीचिंग प्रोफेशन क्वालिटीज लाइक लव पेशेंस एंड टॉलरेंस आर रिक्वायर्ड इट हैज़ बीन एज्यूम दैट ऑल द अब क्वालिटीज आर मोर इन विमेन दैन मैन वी सी दैट द नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर्स एट प्राइमरी लेवल इज हायर दैन अदर हायर दैन एट अदर लेवल्स खास तौर पर जो प्राइमरी लेवल पर जो होते हैं बच्चे उनको संभालने के लिए फीमेल टीचर्स ही जो हैं उनको एजुकेट करने के लिए फीमेल टीचर्स को ही जो है प्राथमिकता दी जाती है और वहाँ पर मेल टीचर्स जो हैं वो कम रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल जैसे जैसे गर्ल्स स्कूल ओपन होते जा रहे हैं वैसे ही वैसे फीमेल टीचर्स की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि गर्ल्स को हमको कंफर्टेबल फील करवाना है इसीलिए ही हमने गर्ल्स गर्ल्स स्कूल जो है वो ओपन किए हैं सो वहाँ पे मेल टीचर टीचरों की संख्या जो है वो कम रहती है और फीमेल टीचर्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं

कि चाहे वो कोई एग्जाम हो चाहे वो कोई जॉब हो वहाँ पे महिलाओं के लिए सीट जो है वो रिजर्व रहती है सो so, इसी वजह से जो है आ, महिलाओं की एंट्री टीचिंग प्रोफेशन में हो रही है वहाँ भी उनको आ, कुछ ना कुछ आरक्षण जो है वो मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट वीमेन आर बीग एनकरेज टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन मोर एंड मोर फॉर दिस रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड इन मैनी फॉर्म्स ड्यू टू रिजर्वेशन आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू टू द टीचिंग प्रोफेशन नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है गवर्नमेंट एफर्ट्स यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी अलग अलग एफर्ट्स जो है वो किए जाते हैं ताकि महिलाओं की संख्या जो है Uh, कार्य क्षेत्र में वो बढ़ सके टीचिंग लाइन uh, में जो है महिलाएं आगे आ सकें गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड वीमेन एज ह्यूमन रिसोर्स ऑन वन हैंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द एंट्री ऑफ मोर एंड वो वीमेन इन टू द टीचिंग प्रोफेशन ऑन दी अदर हैंड टीचिंग प्रोफेशन द मैन हू आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन टीचिंग प्रोफेशन एवेबिलिटी ऑफ लेबर इन अदर ऑक्यूपेशन द टीचिंग प्रोफेशन नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है गिविंग लेस इम्पॉर्टेंस टू टीचिंग प्रोफेशन पुरुषों के द्वारा टीचिंग प्रोफेशन को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है इसलिए यहाँ पे महिलाओं की संख्या हमको अधिक देखने को मिलती है टीचिंग प्रोफेशन इज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट मोर एंड मोर वीमेन आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन ड्यू टू द लेस इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन बाय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है लाइक अ पार्ट टाइम जॉब यानी कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमको बहुत ज़्यादा समय अपना नहीं देना होता पाँच से छः घंटे का ही काम रहता है चाहे आप सेव सात से, से बारह का स्कूल uh, लेते हो या बारह से पाँच या दस से चार इस तरीके से ही वर्किंग uh, आवर्स जो रहते हैं आपके होते हैं आठ घंटे नौ घंटे या दस घंटे की ड्यूटी करने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती टीचिंग बिजनेस इज सीन एज पार्ट टाइम वर्क दैट इज सेवन ए एम टू ट्वेल्व पी एम और ट्वेल्व पी एम टू फाइव पी एम और टेन ए एम टू फोर पी एम दैट इज़ ओनली फाइव और सिक्स आवर्स वाइल ज अम ड्यूरेशन ऑफ एट आवर्स दैट इज वाई वुमेन आर एंटरिंग दिस प्रोफेशन नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है एनकरेजमेंट बाय द मेल जो पुरुष होते हैं घर में चाहे वो किसी के हजबेंड हो चाहे वो फादर हो या वो किसी के ब्रदर हो वो अपने घर की महिलाओं को एनकरेज करते हैं कि वो टीचिंग प्रोफेशन में ही जाए क्योंकि जैसा हमने देखा टीचिंग प्रोफेशन में हमें ज़्यादा समय नहीं देना होता पाँच से छः घंटे का समय ही आ, देना होता है सो इस तरीके से महिलाएं जो है अपना बाहर का काम और अपना घर का काम सब बैलेंस करके जो है चल पाती हैं सो इसलिए मेल्स जो है वो एनकरेज करते हैं वुमेन को कि वो टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री करें Comparatively less time is to be spent in the teaching profession. Due to this, women are also being encouraged by men to enter the teaching profession. Men are beginning to believe that while in the teaching profession, women can take care of the family well, while in other occupations it is comparatively difficult to fulfill the responsibilities of the family. So is ek karan hai. नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री जॉब यानी कि टीचिंग प्रोफेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री जॉब जो है वो uh, कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा किसी क्लास में फ़ेल हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की पूरी टीचर के ऊपर नहीं आती कि आपने इन्हें खराब पढ़ाया या सही तरीके से नहीं पढ़ाया इसलिए ये बच्चा फेल हो गया ऐसी बात नहीं रहती यहाँ पे अन्य आ, कई चीज़ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी खराब रिजल्ट के लिए सो यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या प्रेशर जो है वो नहीं रहता इन द टीचिंग प्रोफेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी वन पर्सन फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन अ क्लास देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर दिस नॉट ओनली द टीचर इज गिल्टी बट ऑल्सो पेरेंट्स पेरेंट्स जो हैं बच्चे के वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट भी जिम्मेदार हो सकता है अदर टीचर्स सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम इवेल्यूएशन मेथड एट ये सारी चीज़ें जो हैं किसी बच्चे के खराब रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं दैट इज ऑल्सो वाई विमेन आर एंटरिंग दिस बिजनेस सो दैट शी टाइम टू फैमिली नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है नेगलेक्टेड बाय मेल यानी कि ये जो काम है ये जो टीचिंग वर्क है ये पुरुषों के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है उनको ये काम जो जो है थोड़ा बोरिंग लगता है या इनको लगता है कि ये उतना इम्पॉर्टेंट काम नहीं है कि हम इसमें जाएं ये महिलाओं के लिए ही ठीक है हम इससे कुछ और सुपीरियर वर्क जो होगा उसको हम करेंगे या उसमें हम जाएंगे इस तरीके की धारणा भी जो होती है लोगों की होती है टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बोरिंग टास्क

टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन uh, है जहाँ पे काफ़ी सारी छुट्टियाँ जो है हमको मिलती हैं इस वजह से भी जो है महिलाएं इसमें आने को प्राथमिकता देती हैं इन द टीचिंग प्रोफेशन वर्कर्स आर रिड्यूस्ड ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉलीडेज आर ऑपटेनड ड्यू टू विच मोर एंड मोर आर ट्राइंग टू एंटर दिस प्रोफेशन सो दैट मोर टाइम कैन बी गिवन टू द फैमिली जितनी ज्यादा छुट्टियाँ मिलेंगी उतना ज्यादा जो uh, महिलाएं हैं वो अपनी फैमिली को घर परिवार को टाइम दे पाएंगी इसलिए भी जो है वो यहाँ को uh, टीचिंग प्रोफेशन को प्राथमिकता देती हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टीचिंग टू कंप्लीट हॉबीज अब जैसे कि जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं उनको संभालने की जरूरत नहीं है हस्बैंड अपने जॉब में है सो वो अपनी खाली समय में क्या करे टीचिंग प्रोफेशन में जो है आ जाती हैं ताकि जो अपना खाली समय है उसका वो सदुपयोग कर सके अपनी हॉबी अगर उनकी हॉबी है टीचिंग तो वो उसको जो है परस्यू कर सके या अपना जो है टाइम पास वो वहां पे कर सके सो so, ये भी एक रीज़न होता है देयर आर सम विमेन हु आर ऑल्सो एंट्रिंग इन टीचिंग प्रोफेशन टू कम्प्लीट हॉबीज एंड टाइम पास इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट आफ्टर द चिल्ड्रेन बिकम सेल्फ सफिशियंट एंड द हजबेंड ज्वाइंस द जॉब द एक्स्ट्रा टाइम इज़ यूज बाय एंटरिंग द टीचिंग प्रोफेशन सो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि वीमेन्स uh, की एंट्री एजुकेशन प्रोफेशन में हो रही है सो so, ये ट्वेल्व पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वीमेन गेटिंग इनटू द टीचिंग प्रोफेशन सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये वीडियो आपको समझ आई हो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए ताकि इस तरीके के नोट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके सो so, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू